बुझी शाम भी जल सकती है, तूफान से कश्ती निकल भी सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ प्लैनेट्स में। मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ उसका नाम है वशीकरण। आज के इस युग में हर व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरों को वश में करना चाहता है, अतः शत्रु को वश में करने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग होता है वे वशीकरण मंत्र कहलाते हैं। वशीकरण दो शब्दों वशी और करण का एक कथन है। वशीकरण का अर्थ है आकर्षण का एक गुप्त विज्ञान। प्राचीन समय से ही वशीकरण के मंत्रों का प्रयोग किसी न किसी को आकर्षित करने के लिए किया जाता आ रहा है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने अनुकूल बना लेना या उससे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर देना है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वशीकरण कैसे किया जाए। सभी को किसी न किसी को अपने वश में करना है। कर्मचारी चाहता है इसका बॉस इसके वश में रहे, जब चाहे उसे छुट्टी मिल जाए। पत्नी सोचती है पति वश में रहे, और यही सोच पति की भी होती है। कोई सोचता है मेरे सभी दोस्त मेरे वश में हो जाए, मैं जो बोलूं वैसा ही करें। लड़कों को लड़कियों को वश में करना है तो लड़कियों को लड़कों में वश में करना है। यानी कि हर व्यक्ति की मन में कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा होती है कि वो जैसा चाहे वैसा सामने वाला व्यक्ति कर दे। सामान्यतः ऐसी सोच सभी की है। वशीकरण है क्या, या है जो आप बोलें और जो चाहें वो हो जाए? वशीकरण सामान्य रूप से तंत्र मंत्र की सहायता से किए जाते हैं। वशीकरण मंत्रों का उपयोग किसी न किसी सही काम के लिए ही किया जाना चाहिए। यदि इसका प्रयोग आप अपने लोभ लालच या किसी का अहित करने के लिए करते हैं तो ये साधना करने वाला और करवाने वाले दोनों पर ही बुरा प्रभाव डालती है। वशीकरण के बहुत सारे तरीके होते हैं। वशीकरण करने के लिए सिद्धियों, देवी देवता के मंत्रों, विधियां, मालाओं के वर्गीकरण, क्रिया स्थान, दिशाओं का ज्ञान आदि होना सब आवश्यक है। वशीकरण करने के लिए बहुत से मंत्र पौराणिक वेदों शास्त्रों में पाए जाते हैं। सब मंत्र वैदिक विधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। देखा जाए तो यदि वशीकरण का प्रयोग अपने किसी अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए बिना किसी के अहित किए जाए तो ये कोई बुरा कार्य नहीं है, परंतु इसे बुरी नज़र से देखा जाता है क्योंकि इसका नाम तंत्र से जुड़ा है। अपनी बात को किसी को समझाना या फिर अपना अच्छा कार्य किसी से करवाना किसी प्रकार से बुरा नहीं है। जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का तुरंत समाधान वशीकरण द्वारा संभव है और आसान है। वशीकरण द्वारा आप घर में ग्रह कलेश, पति पत्नी की अनबन, अदालतों के मामले, निसंतान के रूप में संतान की प्राप्तियां, शारीरिक समस्या, पारिवारिक समस्या, विवाह में अगर रुकावटें आ रही है, आप पर ऋण हो गए हैं, जैसे अनेक कार्य वशीकरण द्वारा असामान्य विद्या द्वारा किए जा सकते हैं। परंतु यह एक विज्ञान है, इस विद्या को पाना उतना ही मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। भारत में बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जिनके धर्म से कोई नाता नहीं है तो कुछ का है। तांत्रिक साधनाओं का नकारात्मक साधनाओं की सीढ़ी में रखा गया है। वशीकरण तंत्र साधना का ही एक अभिन्न अंग है। इसको करने के लिए देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचिनी साधना और यक्षिणी साधना जैसी साधनाएं भी वशीकरण को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो वशीकरण के लिए सबसे जरूरी है ध्यान। एक जगह, एक बिंदु, एक स्थान, किसी भी उस वस्तु पर जिसे आपको अपने वश में करना हो उसके लिए अपना मन केंद्रित करना ही ध्यान है। ध्यान से आपके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का विकास होगा। भगवान शिव के बारे में तो सभी जानते हैं, युगों युगों से वो ध्यान में ही रहते हैं। प्राचीन काल में सभी ऋषि मुनि भी तो ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करते थे दोस्तों, जिसके फलस्वरूप वो तेजस्वी हो गए। आपको भी अपना तेज बढ़ाना है तो ध्यान करना पड़ेगा, और जितना अधिक से अधिक ध्यान या मेडिटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चेहरे पर एक विद्यमान तेज आ गया है, एक खुशी, एक मधुर मुस्कान सदा आपके चेहरे पर खिली दिखाई देगी। आपका व्यक्तित्व निखारा हुआ दिखाई देगा, आपके चलने बोलने आत्मविश्वास दिखाई देगा। जब ऐसा होने लगे तब
सॉरी जब ऐसा होने लगे, जब आप कहीं भी बोलना शुरू करेंगे वहाँ सभी आपकी बात सुनाई देगी और आप सब आपको सुनेंगे। आपकी मधुर मुस्कान, आपके चेहरे की चमक और आपका बॉस, आपका जीवन साथी, आपका मित्र, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आप अपना कहाँ आसानी से मना लेंगे। बस यही है वशीकरण का आसान और सुगम मार्ग। आपको ऐसा देवी मंत्र बताता हूँ जिसे पूरी दुनिया के तांत्रिक भी हमेशा नतमस्तक रहते हैं, या कामाख्या देवी का मंत्र है। यह एक अद्भुत वशीकरण प्रयोग है जिसको बिना किसी को नुकसान पहुंचाए स्वयं के सिद्ध कार्य के लिए किया जाने वाला यह मेरा पर्सनल फॉलोअर्स पे अपनाया हुआ अजमाया हुआ एक सफल प्रयोग है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह प्रयोग सिर्फ सिर्फ अच्छे कार्य के लिए करना है, किसी को बुरा करने के लिए नहीं करना है। आसाम में कामाख्या मंदिर में कामया सिंदूर पाया जाता है। इसे आप प्राप्त करके लगातार 51 दिनों तक प्रतिदिन 108 माला का जाप करना, यानी कि 100x108 का मंत्र का प्रतिदिन जाप करना है। फिर इस प्रयोग के बाद कामाख्या सिंदूर को अपने माथे पर टीका लगाएं। टीका लगाकर आप जहां भी जाएंगे सभी वशीभूत हो जाएंगे। वशीकरण का यह सबसे आसान तरीका है। जो वशीकरण का मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम नमो कामाक्षी देवी अमुखिम मे वशम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर आपको अमुक की जगह व्यक्ति विशेष का नाम लेना है। यह वशीकरण यानी किसी को अपने प्रभाव में लाने या अनुकूल बनाने की सरल, अनुभवी और अचूक उपाय है। यह पूरा प्रयोग असंख्य बार अजमाने पर हर बार सफल रहा है, किंतु इसकी सफलता पूरी तरह व्यक्ति की एकाग्रता और अटूट विश्वास पर निर्भर करती है। इसके अलावा यदि आप अपना आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए एक मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप से आप हर कार्य को संभव कर सकते हैं। यह वशीकरण मंत्र पूर्ण रूप से सात्विक है और यह भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित है, तथा विशेषकर जिन जाति जातिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है उस पर इसे विशेष फलीभूत प्रभाव प्राप्त होता है। अब मैं आपको सूर्य भगवान का चमत्कारिक वशीकरण साधना प्रयोग बताता हूँ। दोस्तों मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा सात्विक बताऊंगा, तंत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आपको एक सिद्ध अभिमंत्रित सूर्य यंत्र की आवश्यकता रहेगी। यंत्र के सामने आप नारियल, अगरबत्ती, सिंदूर और गुड़ का भोग लगाकर 108 बार मंत्र जपें। मंत्र का प्रयोग करने से आपको कोर्ट कचहरी, मुकदमा, विवाद, आपसी कलह, शत्रु, वशीकरण, नौकरी, इंटरव्यू, उच्च अधिकारियों के संपर्क करने में से लाभ मिलेगा। मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते श्री सूर्याय रिम सहस्त्र किरणाय ऐम अतुल बल पराक्रमाय नवग्रह दस दिक्पाल लक्ष्मी देवाय धर्म कर्म सहिताय अमुक नाथाय नाथाय मोहाय मोहाय आकर्षाय आकर्षाय दासानुदसाय कुरु कुरु वंश कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र बड़ा है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अमुक मंत्र की जगह आपको व्यक्ति विशेष का नाम लेना, जहाँ मंत्र में अमुक वर्ड आया है वहाँ व्यक्ति विशेष का नाम लेके इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करेंगे, आपका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। आकर्षण हेतु हनुमान भगवान का बहुत ही शुभ मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मूंगे की माला से प्रतिदिन शुरू करना है और 51 दिनों तक प्रतिदिन 21 माला का जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है हनुमान जी भगवान का, ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मय अमुक महीपति में वश्यम कुरु कुरु स्वा। यहाँ पे भी आपको अमुक स्थान पे इच्छित व्यक्ति का नाम बोले, वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा हनुमान जी भगवान की कृपा से। इसके अलावा रवि पुष्य योग में रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में गुलर के पुष्प और कपास की रोई मिलाकर आप एक बत्ती बनाएं और बत्ती के अंदर आप तेल और घी की जगह उसे मक्खन से जलाएं। फिर जलती हुई बत्ती की ज्वाला के अंदर उसके से काजल निकालें। उस काजल को रात में अपनी आंखों से लगाने से समस्त जग भस्म हो जाता है। ऐसा काजल किसी को देना नहीं चाहिए। काजल बनाने से पहले आपको जो मैं मंत्र बताना जा रहा हूँ इसके 51,000 मंत्र का जाप करना, और ये 51,000 मंत्र जाप केवल 7 दिनों में आपको पूरे करने हैं। मंत्र इस प्रकार है, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। अब कुछ बिना साधने के प्रयोग भी आपको बता देता हूँ, आप ऐसा करके भी अपने आप को किसी सामने वाले से काम करवा सकते हैं। मोर की कलंगी रेशमी वस्त्र में बांध कर आप जेब में रखेंगे तो इसे सब सम्मोहित रहते हैं, आपकी कार्य करने की शक्ति बढ़ जाएगी। स्त्रियां अपने मस्तिष्क पर आंखों के मध्य एक लाल बिंदी लगाए और उसे देखने का प्रयास करें। यदि कुछ समय पश्चात बिंदी आपको खुद दिखने लगे तो समझ जाना आपकी अंदर की सिक्स सेंस पावर जग गई है और आपकी समझ शक्ति तरह आप हर काम करवा सकती हैं। इसके अलावा गुरुवार को मूल नक्षत्र में केले की जड़ को सिंदूर में मिलाकर पिसकर
रोज इसका तिलक लगाने से भी आकर्षण क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा सफेद गुंजा की जड़ होती है, उसे घिसकर माथे पे तिलक लगाने से भी सभी लोग वशीभूत हो जाते हैं। यदि सूर्य ग्रहण के समय सहदेवी की जड़ और सफेद चंदन को मिलाकर घिसकर व्यक्ति तिलक करे तो देखने वाले सभी लोग वशीभूत हो जाते हैं। ये सब प्राकृतिक जड़ों के प्रयोग है। इसके अलावा एक बिजोरा की जड़ आती है, बिजोरा की जड़ और धतूरे के बीज को प्याज के रस के अंदर मिलाकर यदि व्यक्ति तिलक लगा के या अपने बॉडी में कहीं भी लगा के जाए उससे भी वशीकरण का प्रयोग है। तो दोस्तों आज मैंने आपको वशीकरण क्या है, इसका प्रयोग क्यों और किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इसका प्रयोग बिना किसी का अहित किए अपने काम को पूरा करवाने के लिए ही करना है। यदि आप किसी का अहित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो लाभ की जगह हानि हो सकती है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की गंभीर समस्या से पीड़ित हैं और वो समस्या समाप्त नहीं हो रही है तथा पीर फकीर तांत्रिक बाबाओं के चक्कर से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार आप मुझसे संपर्क अवश्य करें। मैं मनीष गौड़ आपको यकीन दिलाता हूं आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।